और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए हैं, छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ गए थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, भूपेश बघेल से मुलाकात करके कोयले की कमी के बारे में दोनों के बीच में चर्चा हुई और आज ये मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक में खनन को अनुमति मिल गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और सुशांत पारेख फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाने लगी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कल भी छत्तीसगढ़ गए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की थी और इस बारे में चर्चा भी हुई थी, कहीं ना कहीं वो चर्चा भी अब रंग लाने लगी है। देखिए बिल्कुल, राजस्थान के बिजली संकट के लिहाज से कहें तो एक अच्छी और सुखद खबर है और एफर्ट चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार जारी थे, कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फाइनली फिर मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, भूपेश बघेल से उनकी वन टू वन जो है मुलाकात हुई और उसके बाद आज पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक जो है उसके सेकंड फेज में अब अनुमति मिल गई है। फर्स्ट फेज में जो खनन का काम था वो पूरा हो गया और सेकंड फेज में अब 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है कोयला उत्खनन होगा। इसके लिए जो वन डिपार्टमेंट से अनुमति मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है और इससे एक तरीके से प्रदेश के थर्मल इकाइयों को कोयले की आपूर्ति जो है वो सुचारू हो सकेगी। इसका अंदेशा था कि अगर ये अनुमति नहीं मिलती है तो राजस्थान में थर्मल जो है उत्पादन वहां पर बंद हो सकता था, बिजली संकट पैदा हो सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास और ये राजस्थान के लिए एक अच्छी और सुखद खबर। जी चलिए, बहुत धन्यवाद सुशांत पारेख तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक राहत की खबर राजस्थान के लिए, क्योंकि बहुत कम कोयला बचा था और ये माना जा रहा था कि आने वाले संकट में राजस्थान में बिजली संकट एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयास रंग लाए हैं और कोल ब्लॉक में खनन को अनुमति मिल गई है।